Hello dear students, how are you? I hope you are fit, fine and safe. Let us start our EVS book class first, lesson 16. Lesson name is our classroom. इस lesson में आपने क्या बताना है कि आपका classroom कैसा है? अब बहुत दिनों से आप school तो आए नहीं हो और आपको अपना classroom याद है कि नहीं? तो हम याद करते हैं, ध्यान करते हैं कि हमारे classroom में क्या होता है. क्लासरूम में क्या होता है? एक ब्लैक बोर्ड होगा, एक मैडम के लिए चेयर होती है, टेबल होती है, बच्चों के बैठने के लिए चेयर और डेस्क होते हैं, ठीक है. और क्या होता है? चौक होता है, अलमीरा होती है जिसके अंदर बुक्स वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है. तो इसके बारे में हम देखते हैं. आप भी अपने क्लासरूम को याद करना. लेट अस स्टार्ट आर लेसन है 16 आर क्लासरूम. Our school has many classroom. I sit in class first. कहते हैं मेरे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम हैं, यानी क्लासरूम कक्षाएं बोलते हैं हिंदी में. बहुत सारी कक्षाएं हैं. I sit in first class. मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? फर्स्ट क्लास में. आप भी फर्स्ट क्लास में हो ना, तो उसी की बात कर रहा है. We learn to read, write, draw and do some in our class. कहते हैं हम अपनी क्लास में क्या करते हैं? लिखना, पढ़ना, लिखना, ड्रॉ करना और सम करना सीखते हैं. लर्न मीन्स होता है सीखना, राइट लिखना, रीड मीन्स होता है पढ़ना, सम मीन्स होता है जो आप मैथ के सम करते हो, ऐड टू और टू फोर होते हैं, टू और थ्री फाइव होते हैं, ये काम सीखते हैं. नेक्स्ट वो कहते हैं देयर इज़ ए बिग टेबल एंड चेयर फॉर आर टीचर. कहते हैं वहाँ पर क्या है? एक बड़ा टेबल और चेयर है. किसके लिए? हमारी टीचर के लिए. वी यूज स्मॉल टेबल्स एंड चेयर. हम छोटे हैं इस करके हम छोटे चेयर्स और टेबल यूज़ करते हैं. देयर इज़ ए ब्लैक बोर्ड इन आवर क्लासरूम. हमारे क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड भी है. आवर टीचर राइट्स एंड ड्रॉ ऑन इट विद द चॉक. और कहती जो हमारी टीचर है वो इसके ऊपर लिखती है और ड्रॉ करती है. किसके साथ? चॉक के साथ. ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखा जाता है? चौक के साथ. देयर इज ए डिस्प्ले बोर्ड एज वेल. आवर क्लास आवर वर्क इज डिस्प्ले ऑन दिस बोर्ड. कहता है हमारे क्लास में एक डिस्प्ले बोर्ड भी है जिस पर हमारा क्या होता है? वर्क डिस्प्ले किया जाता है. जो आपको वर्क करने को दिया जाता है वो मैडम उस बोर्ड पर लिख देती है. कोई आप अच्छा काम करते हो या कोई अच्छी चीज़ बना के लाते हो, ड्राइंग बनाते हो, तो वो भी चीज़ क्या करती है मैडम? उस पर लगा देती है. नेक्स्ट वो कह रहा है देयर इज़ ए कपबोर्ड फॉर कीपिंग बुक्स एंड पेंसिल्स. कहता है कपबोर्ड मीन्स होता है अलमीरा है जिसके अंदर बुक्स और पेंसिल रखी जाती हैं. अवर क्लासरूम हैज़ पिक्चर्स एंड मैप्स ऑन इट्स वॉल. कहता है हमारी क्लास में काफ़ी सारे पिक्चर्स और मैप भी लगे हुए हैं दीवारों पे. वॉल्स होता है दीवार के ऊपर. अगर आपने ध्यान करो तो आपके स्कूल में भी क्लास में भी दीवार वॉल्स होती हैं, उसके ऊपर भी अलग अलग तरह के पिक्चर्स लगी होती हैं, ठीक है. कोई ड्राइंग्स होती हैं या कोई मैप बना होता है या अलग अलग तरह का जो कुछ बच्चों ने चार्ट बनाए होते हैं वो लगे होते हैं. इसी तरह उनकी क्लास में भी हैं. आवर क्लास इज़ ब्राइट एंड एयरी. कहता है जो हमारी क्लास है ब्राइट मीन्स होता है पूरी रोशनी वाली है और एरी पूरी हवादार है. यानी कि अगर लाइट नहीं होगी तब भी हमें क्या होता है? गर्मी नहीं लगती, पूरी रोशनी आती है. नेक्स्ट वो बता रहा है वी थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन. वी कीप अवर क्लासरूम क्लीन. कहता है जो हम डस्टबिन में क्या करते हैं, जो हम बेकार के कागज़ होते हैं वो हम कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं और हम अपने क्लासरूम को साफ रखते हैं. बेटा आप भी अपने क्लासरूम, जब आप स्कूल आओगे तो आप भी अपने क्लासरूम को पहले भी साफ रखते थे और अब भी साफ रखोगे. जो आपका कचरा अलग से हो जाता है, कोई कागज़ है या पेंसिल के जो ऊपर से वो छिलके से उतरते हैं वो हम कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में. तो ये लेसन तो हमारा कंप्लीट हुआ. अब हम इसका करते हैं बुक एक्सरसाइज. तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर. आवर टीचर राइट्स एंड ड्रा ऑन द. किसके ऊपर लिखती है हमारी टीचर? ब्लैक बोर्ड. तो बी ऑप्शन के ऊपर आपने टिक करना है. सेकेंड है द स्टूडेंट इन द क्लासरूम सिट ऑन. जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में कहाँ पे बैठेंगे? चेयर्स पे. तो कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे? ए ऑप्शन पे आपने टिक करना है. अब मैच है. वेस्ट पेपर कहाँ डाले जाते हैं? डस्टबिन में. ब्लैक बोर्ड
पर किससे लिखा जाता है, चौक से, यानी कि ब्लैक बोर्ड को आपने किससे मिलाना है, चौक से, बिग टेबल फॉर द टीचर, इससे सी को आपने ए से मिलाना है। नेक्स्ट वो आपको पूछ रहे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रोंग वन। वी लर्न टू प्ले गिटार इन द क्लास, कहता हम गिटार सीखने के लिए क्लास में आते हैं, नहीं, हमने अभी बात की थी, हम अपना रीड राइट और ड्रॉ और सम करने के लिए आते हैं, तो ये क्या हो गया, रोंग। फर्स्ट में आपने क्या लगाना है, फॉल्स का निशान लगाना है। सेकंड है वी लिसन केयरफुली टू व्हाट आवर टीचर टेल अस, कहता हम ध्यान से सुनते हैं हमारी टीचर हमें क्या बता रही है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, आप भी ध्यान से सुन रहे हो ना, तो ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा कुछ जल्दी से लर्न हो जाएगा, समझ आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, फिर टिक द करेक्ट आंसर है वी कीप अवर क्लासरूम, आप अपनी क्लासरूम को कैसा रखोगे, यस क्लीन, तो बी ऑप्शन पे आपने टिक करना है। द टीचर राइट्स विद द चॉक, तो ए ऑप्शन सेकंड के हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, मोहन ऑलवेज थ्रो वेस्ट पेपर एंड वेपर्स ऑफ फूड आइटम हेयर एंड देयर इन द क्लास, कहते हैं एक बच्चा मोहन है, वो अपने वेस्ट पेपर है और खाने के रैपर है, कोई चीज़ लेके आए उसके जो ऊपर वाले रैपर हैं उसको क्लास में इधर उधर फेंकता रहता है, इज़ ही डूइंग द राइट थिंग, क्या वो सही कर रहा है, सही कर रहा है वो, नहीं ना, क्लास को गंदा कर रहा है, ये तो गलत तरीके हैं, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, नो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द चिल्ड्रंस वर्क इज डिस्प्ले ऑन अ, जो बच्चों का काम है किस पे डिस्प्ले किया जाता है, डिस्प्ले बोर्ड पे, तो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा डिस्प्ले बोर्ड। सेकंड है द चिल्ड्रंस बुक्स एंड पेंसिल आर कैप्ट इन, बच्चों की पेन और पेंसिल और बुक्स कहाँ पे रखी जाती हैं, कपबोर्ड यानी अलमीरा में। वी लर्न टू रीड डैश एंड डू सम इन आवर क्लास, तो किस में क्या आएगा, वी लर्न टू रीड राइट, क्या लिखेंगे बीच में, राइट एंड डू सम इन द क्लास, क्लास में हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट है वी थ्रो द वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। नेक्स्ट हमारे पास एक ये एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपने क्या करना है, नंबरिंग दी हुई है, आपने उस नंबर को पढ़ के लिखना है, क्या है, इन नेम द थिंग्स यू सी इन द फ्लोइंग पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम, क्लासरूम की आपको पिक्चर दी गई है, नंबर दिए हुए हैं, तो पहले नंबर पे किसकी है, कपबोर्ड की, सेकंड पे बुक्स की है, थर्ड पिक्चर किसकी है, विंडो है, फोर्थ डस्टबिन की है, फिफ्थ बेंच की, सिक्स टेबल की, सेवन्थ आपके पास है चेयर और एट्थ है ब्लैक बोर्ड। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सॉरी, ये अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी आपने करने हैं। क्वेश्चन आंसर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिक्स क्लासरूम आर्टिकल्स, हमने सिक्स क्लासरूम आर्टिकल्स यानी कि जो चीज़ें क्लासरूम में आपको मिलती हैं, तो हमें टेबल, चेयर भी है, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, कपबोर्ड, डस्टबिन और भी जो चीज़ें आपको मिले आप वो लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमें सिक्स बोले थे, हमने सिक्स लिख दिए, तो अब ये लेसन कम्प्लीट होता है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।